सावन का महीना शुरू भी नहीं हुआ है कि कांवड़ यात्रा को लेकर धर्म युद्ध छिड़ चुका है। 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में लोग कांवड़ यात्रा निकालेंगे और भगवान शिव पर जल अर्पित करेंगे। बता दें, मुहर्रम को लेकर सख्त दिखी योगी सरकार ने अब सावन को लेकर भी बड़ा आदेश दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नया फरमान जारी करते हुए मुजफ्फरनगर मॉडल को लागू कर दिया है। अभी मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर आने वाले दुकानदारों को अपना नाम और पहचान जाहिर करने का सीएम योगी ने बड़ा आदेश दिया है। कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकान पर नेम प्लेट लगाने हुए योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब मायावती ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी व उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने और मांस बिक्री पर भी रोक लगाने का ये चुनावी लाभ हेतु पुनर्तः असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बॉयकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना होगा। खान पान की दुकानों के सामने दुकानदारों को अपना नाम और पहचान बतानी होगी। ऐसा फैसला कांवड़ यात्रा की आस्था और यात्रा की शुचिता को बरकरार रखने के लिए किया गया है। साथ ही यूपी सरकार ने चेतावनी भी दी है कि हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारत 24 डिजिटल डेस्क।